बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, सबसे पहले तो ये माजरत कि मैं काफ़ी दिन गैर हाजिर रहा, कुछ तो हेल्थ इश्यूज से, लेकिन उससे बढ़कर ये था कि मेरी जो है ना मदर इन लॉ वो फोत हो गई हैं, तो उस सिलसिले में बेहद मसरूफ़ी रही। घर में भी चूँकि लोग मेहमान आते रहे और अभी भी मेहमान आ रहे हैं, सिलसिला जारी है। तो बहरहाल ज़ाहिर है, भी हर आदमी ने मरना है। जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जिन्होंने फ़ोन किए या सोशल मीडिया पर जिन्होंने इजहार तहजीद किया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। तो हमारी तो दुआ है कि जितने भी मरने वाले हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल्फ़िरदौस में जगह दे, उनके आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। तो आज जनाब मैं बात करना चाहता हूँ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के बारे में। कुछ मामला बिगड़ते जा रहे हैं। तो वैसे तो ये काफ़ी अरसे से एक एहतजाज चल रहा है, और उसमें जो हमारा ख्याल था वो यही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की और इस्टेब्लिशमेंट है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की, ये लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, उनको उनमें कोई मसला हल नहीं करना। उनका ख्याल यह है कि चलो जी कुछ अर्सा ये तहरीक चलेगी, फिर उसके बाद दब जाएगी। लेकिन नज़र ये आता है कि अब ये बात दबने वाली नहीं है, लोगों को खुलकर आमने सामने आ गए हैं। और इस सिलसिले में ये भी सुना है कि यानी कल कुछ गड़बड़ भी हुई है, गड़बड़ इस जैसे कि पाकिस्तान ने कुछ मजीद फोर्सेस भेजी हैं, उसकी मैं तफसील अभी देता हूँ। मेरे पास 3-4 दिन पहले तफसील आ गई थी, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत की वजह से इसको शेयर नहीं कर सका, कोई प्रोग्राम नहीं बना सका। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये किया कि कुछ थोड़ी बहुत जो पुरानी की चीज़ें थी लोगों की मिली हुई, वो मैं शेयर करता रहा था कि ये बताने के लिए कि आई एम स्टिल देयर। तो अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर चौधरी चला गया किसी जगह या उसका मसला ख़राब हो गया, ऐसी बात नहीं, अल्लाह का फजल है, आई एम स्टिल देयर लाइव एंड किकिंग। तो सुना कि फायरिंग हुई है, पहले से मैं आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ कि इस पर मुझे ऐनक लगानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें तफसीर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने लेटर लिखा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर। तो ये लेटर लिखने वालों की बात भी देख लें कि लेटर लिखने वाले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अफसर, जिनको लिखा लेटर वो भी पाकिस्तान के अफसर हैं, वो उनकी उनकी पोस्टिंग आज़ाद कश्मीर में है। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है वो हमेशा पाकिस्तानी होता है। तो उसको उन्होंने खत लिखा कि हमने आपके रीजन के लिए और पुंछ के लिए या दूसरे जगहों के लिए जो मजीद नफरी भेज दी है, उसकी तफसील मैं इसको रीजन वाइज पेश करता हूँ। रीजन मुजफ्फराबाद के लिए वो कहते हैं कि स्ट्राइकिंग फोर्स, यानी काफ़ी लफज स्ट्राइक काफ़ी ख़तरनाक है, स्ट्राइकिंग फोर्स उसके जो 65 लोग आ रहे हैं, रेंजर्स पुलिस 79 लोग, रिजर्व पुलिस 23, क्राइम ब्रांच 24, नो भर्तीशुदा जो लोग हैं 87। तो मुजफ्फराबाद के रीजन में 278 278 एक्स्ट्रा लोग आएंगे। तो पहले से उनकी कितनी फौज है यहाँ पर और कितने उनके दूसरे लोग हैं, एजेंसीज हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, दे आर इन थाउजेंड्स हैं। आगे कहते हैं कि मीरपुर रीजन के लिए स्ट्राइकिंग फोर्स 78, रेंजर पुलिस 59 और PTC यानी जो अभी कुछ अभी तबीयत याफ्ता तबीयत करके आस करके आए 297। यहाँ पर थोड़े कम भेजे गए हैं, इसलिए कि इसकी वजह ये भी है, यानी ज़्यादा दूसरे लोग नहीं भेजे गए कि मीरपुर के साथ ही मंगला है, तो मंगला में पूरी उनकी कोर्प्स है, यानी 3 डिवीजन होते हैं वहाँ पर। और फिर मीरपुर के साथ ही दूसरी तरफ जड़ी का जो है, जो हमारा वो रीजन आप जानते हैं, तो वहाँ पूरा जड़ी का जो है वो आर्मी से भरा हुआ है, और कितनी सिक्योरिटीज ऑपरेटिव है वहाँ पर ये किसी को भी पता नहीं है, जो पता करने की कोशिश करेगा वो नज़र नहीं आता। अच्छा, तो आगे आ जाता है रीजन पुंछ। वहाँ पर स्ट्राइकिंग फोर्स जो है 74, रेंजर पुलिस 77 जो न्यूली क्वालिफाइड है 93, ट्रैफिक पुलिस जो है ना 300 आ गया, ये 546 लोग मजीद भेजे गए हैं उस रीजन में। और ज़िला सदुमती में स्ट्राइकिंग फोर्स 49 और स्पेशल ब्रांच के 171 लोग आए हैं,
टोटल यहाँ पर 220 लोग आए हैं। तो आप ये देख लें कि अगर ये इतने लोग भेजे जा रहे हैं, इसका कोई मकसद होगा ना। और मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, कि कितनी एजेंसीज हैं। एक इतला के मुताबिक तो कह रहे थे कि 24 हैं, एक इतला के मुताबिक तो 27 हैं। लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ अगर कम भी बताया जाए ना, तो कम से कम डिफरेंट 15 एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान दे आर ऑपरेटिंग विद इन सो कॉल्ड छोटा सा इलाका है आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं। और फिर लोकल उनके जो गुमाश्ते हैं, चमचे हैं, फुट सोल्जर्स हैं, उनका शुमार ही नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो जिहादी ग्रुप्स हैं, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाई एंड लार्ज स्टिल इंटैक्ट है, वो भी मौजूद हैं। फिर ये जो मजहबी ग्रुप्स हैं उन्होंने पाले हुए हैं, वो भी जो है ना जब जरूरत पड़ती है तो वो भी ललकारा मार कर वो भी सामने आ जाते हैं। तो ये देख लें कि अंडर व्हाट आर काइंड ऑफ एनवायरमेंट और कंडीशन में लोगों को, यानी आज़ाद कश्मीर के लोगों को एहतजाज करना पड़ रहा है। और ये आज एहतजाज जो है ना, ये काफ़ी अरसे के बाद हो रहा है। बातचीत होती थी, ख़त्म हो जाती थी या आगे पीछे हो जाता था। तो आप इन्होंने जो एक्शन कमेटी है, उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने 11 मई का ऐलान किया था, और ये बहुत पहले ऐलान कर दिया था। और इसका मतलब ये भी होता है कि दोनों साइड अपने अपने तरीके से जो तैयारी करनी है कर लें। अब पाकिस्तान की तैयारी तो पहले से मुकम्मल होती है। LOC जो है, जो बॉर्डर्स हैं, यानी LOC कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, वो वहाँ पर भी पाकिस्तान की फौज है। और कितनी और एजेंसियाँ काम कर रही हैं वो भी हैं, मौजूद हैं। मजीद नफरी जो है उन्होंने भेज दी है, जैसे कि किसी बड़े मार्च पर जहाद करने के लिए जा रहे हैं। शायद उनके लिए जहाद होगा, कश्मीरियों को मारना, आज़ाद कश्मीर को मारना जहाद ही होगा उनके लिए, मुझे पता नहीं है। बलोचों को मार रहे हैं वो भी जहाद है। और साथ आप ये भी कहते हैं कि उनको मार कर उनको जहन्नम रसीद कर दिया। और जो तालिबान को मारा जा रहा है, तालिबान का मेन मुतालबा तो यही है ना कि शरीयत का नफाज किया जाए। तो जब उनकी आपस में लड़ाई होती है, इनके साथ पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, तो जब पाकिस्तानी उनको मारते हैं तो कहते हैं कि हमने इतने जो है ना 10 या 20 जितने लोग हैं उनको जहन्नम में रसीद कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया। तो जहन्नम में कौन जाएगा कौन नहीं, ये फैसला अल्लाह ने करना है। लेकिन ये जनरल बात बात कर रहा हूँ कि जो लोग शरीयत का नफाज चाहते हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, जो इसलिए कि पाकिस्तान नफाज नहीं कर रहा, तो वो जन्नम जन्नम में जाएंगे। और जो लोग जो एक ऐसे जिनको कहा जाता है कि ये कराई की फौज भी है, और जो शरीयत का नफाज नहीं कर रहे वो जन्नत में जाएंगे। ये लॉजिक कम से कम मेरी समझ में नहीं आती, अगर किसी के समझ में आ जाए तो ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा फिर है कि आपने नोट किया होगा कि सर्टन जगहों पर ज्यादा लोग भेजे हैं उन्होंने। अब मुझे पता कि मीरपुर के लोगों ने कुछ नहीं करना, बिम्बर के लोगों ने कुछ नहीं करना, हो सकता है कोटली वालों भी कुछ नहीं करेंगे। ये जो जो ओल्ड मीरपुर है, जिसको या मीरपुर डिवीजन कहते हैं, एट वन टाइम पर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, और कोटली एंड बिम्बर उसकी जो है ना तहसीलें थी। तो ये बड़े क्या कहूँ भाई, कोई लफ्ज गलत ना निकल जाए, बड़ा यह है कि इनमें से इनसे कोई ज्यादा उम्मीद ना रखें। तो जो मारदार होगी या जिसकी उम्मीद की जा सकती है वो पुंछ डिवीजन है। और आपको शायद मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की फौज का जो सबसे पहला सरेंडर होता है वो रावला कोट में होता है। आप देखते हैं कि रावला कोट वाले क्या करते हैं, या दूसरे जो लोग हैं वो क्या करते हैं। और अल्लाह करे खैरियत हो, बातचीत ज्यादा ना बिगड़े। वैसे मैंने जो कहा ना कि स्टार्टिंग में कि कुछ वीडियोस ऐसी आई हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से नई इन्फोर्समेंट आ रही है उसको लोगों ने फायरिंग की उन पर, और लड़ाई झगड़े का यानी दूसरे लफ्ज में इसकी इब्तदा हुई है। वीडियो मेरे पास है, मुझे शेयर करने का पता नहीं है, मेरे पास आज स्किल्स इतने नहीं है, तो लेकिन और सी लोगों के पास भी आ गई होंगी और शायद उन्हें शेयर भी करती होंगी। आई लीव इट एट दैट, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे लेकर कुछ रेगुलर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस और एनी कमेंट्स यू वांट टू मेक, प्लीज़ डू सो। एंड इफ यू अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।